सभी भाइयों को राम राम। मैं सुभाष बिश्नोई आप सभी भाइयों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं, मोस्ट वेलकम। तो आज मैं आपके लिए लेके आऊँ एक बार फिर बहुत ही अच्छी साहिवाल नस्ल की गाय। देख सकते हैं आप, काफ़ी शानदार, काफ़ी बड़े ऑर्डर की गाय, बिग ऑर्डर क्वालिटी फॉर दिस गाय। और कलर देखिए इसका कितना शानदार है, और इसका जो हम्प का साइज़ बहुत ही अच्छा है, देख सकते हैं। और गड़कम्बल कितना अच्छा, और इसके जो नीचे गड़कम्बल और नीचे सुंडी देखिए, बहुत ही छोटी सुंडी की साहिवाल, डब्ल्यू आकार सुंडी के अंदर, और पीछे बहुत ही अच्छे मेल काफ को इसने जन्म दिया है। तो मैं एक बात तो अब कहते ही बनती है कि अब भाई आगे से ब्रीडिंग पे ध्यान रखने लगे हैं। जो हमने मुहिम चलाई थी ब्रीडिंग की, वो कहीं ना कहीं कामयाब होती दिख रही है। तो आज जो भी इस चैनल पर पहली बार देख रहे हैं, वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और पास में दिए जो घंटी का निशान है इसको ज़रूर दबाएं, जिससे कि हर नोटिफिकेशन, हर वीडियो आप तक बहुत जल्द पहुंच सके। तो बात चल रही थी ब्रीडिंग की, तो जो हम हर वीडियो में बताते हैं, भी क्रॉस ब्रीडिंग मत करवाया करो, जैसी गाय हो वैसा ही एआई करवाया करो, और बेहतर एआई, अच्छी एआई करवाया करो, या अच्छे पुल से एआई क्रॉस करवाओ। तो वो मुहिम हमें कामयाब होती दिख रही है। हमने अब बहुत से गाय और भैंस परचेज किए हैं और परचेज करके भी दिए, तो उनमें क्रॉस ब्रीडिंग देखने को कम मिली है। तो जो हमने आज से एक साल पहले मुहिम चलाई थी, हम हर वीडियो में लगातार कहते आ रहे हैं क्रॉस ब्रीडिंग मत कराओ, तो वो हमें कामयाब होता दिख रहा है, और आने वाले टाइम में बहुत ही अच्छी ब्रीड हर जगह तैयार कर हो जाएगी। तो आप सभी भाइयों से एक बार फिर निवेदन कि सभी भाई ब्रीड जब क्रॉस करवाते हैं, तो उस समय जैसी गाय या जैसी भैंस हो वैसा ही उस उच्च क्वालिटी का उसको एआई करवाया करें, जिससे अच्छे बच्चे पैदा हों और भविष्य में हमें अच्छे मिल्क लाइन की गाय और नंदी मिल सकें। तो इस गाय की हम आपको अब धारे मार के दिखाते हैं, क्योंकि हम पहली बार जब भी गाय ब्याती है तो पहला दिन होता है, पहले और दूसरे जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम बच्चों को दूध पिलाते हैं, क्योंकि वो बच्चों के लिए अमृत के समान होता है। आपके भी घर में कभी भी गाय भैंस ब्याए, तो दो चार दिन उसको ज़्यादा से ज़्यादा उनके बच्चों को दूध पिलाएं, ये अमृत के समान होता है, जिससे इनका लीवर जो मजबूत हो जाता है, और उनको जो डायरिया की शिकायत रहती है वो नहीं होती। हम ताज़ी गाय भैंस का दूध कम पिलाते हैं, और उसके कुछ दिनों बाद ज़्यादा पिलाना शुरू कर देते हैं, जिससे डायरिया हो जाता है और बच्चा मरने तक की नौबत आ जाती है। क्योंकि बच्चे को जब आप हाई एंटीबायोटिक दोगे डायरिया में, तो वो डायरिया मतलब दस्त हो जाते हैं, तो उसमें एंटीबायोटिक की वजह से वो बच्चा कमज़ोर हो जाता है। तो आप इस बात का ध्यान रखा करें, जब भी आपके घर में गाय या भैंस बच्चा दे, उसको पहले एक दो दिन जितना ज़्यादा से ज़्यादा दूध पिलाएँ। तो हम इसको बच्चे को बहुत दूध पिलाएँगे, इसलिए हम आपको पहले थन चेक करके दिखा देते हैं, हम इसकी लाइव मिल्किंग नहीं दिखाएँगे, क्योंकि हम बच्चों को पहले दूध पिलाएंगे, मिल्किंग तो बाद में भी होती रहेंगी। तो ये दूध मिल्क थर्ड लैक्टेशन की गाय, और इसकी मिल्क कैपेसिटी 15 से 16 लीटर प्लस की रहेगी। काफ़ी अच्छी थनों की बनावट इसकी देखते थे, थनों का गैप देखिए कितना शानदार और कितना दूर दूर है, और इसकी दवाई देखिए, कहते हैं हेड पम्प लगे हुए हैं, देखिए हेड पम्प कह सकते हैं इनको। देखिए चारों थनों की बनावट काफ़ी शानदार, लंबी पूंछ की गाय, एक कलर की गाय, देखिए चारों थनों का गैप बहुत शानदार, ऐसी गायों पर ब्रीडिंग करनी चाहिए। और इसका जो प्राइस रखा है वो काफ़ी रिजनेबल प्राइस है, 65,000 ओनली, ऐसी गाय का इतना कम प्राइस, बहुत ही कम प्राइस इसका। सभी भाइयों का धन्यवाद।